हम बनाने जा रहे हैं मूंग के शामिया। इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है। बिस्मिल्लाह। देखिए मैंने मूंग रात में भिगो के रखा है, ये अच्छी तरह भीग चुके हैं। ऑनियन, मिंट, कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली, जिंजर। ये देखिए मैं इसको इसका पेस्ट बनाऊंगी। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पुदीना, हरे धनिया, ग्रीन चिल्ली, जिंजर। देखिए मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बनाया, लेकिन मैंने नाइस नहीं पीसा है, थोड़ा मोटा मोटा है। देखिए और थोड़े डाल रही हूँ, इसको नाइस पीसना है। देखिए मैंने दोनों को मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं टेस्ट के लिए, और एक चुटकी सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर, मिंट, ऑनियन। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐसा करके मैं ऑयल में डालूंगी। बिस्मिल्लाह। खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसमें टिश्यू में निकालूंगी, एक्स्ट्रा ऑयल भी जो निकल जाएगा। ये मैंने अच्छे से फ्राई कर ले हैं। ये टटके दिखा रहा हूँ, मूंग के शामिया हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। देखिए हमारे मूंग के शामिया बन के तैयार हो चुके हैं, आप मनपसंद की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।